ठीक है, हम कीर्तन प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करमोरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करमोरे, तम बिना के दयालु जगत संसारे, तमो बिना के दयालु जगत संसारे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करमोरे, पतित पावन हेतु तब अवतार, पतित पावन हेतु तब अवतार, मो समापतित प्रभु न पाई बेरार, मो समापतित प्रभु न पाई बेरार, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। हा, प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपावलोकन करो आमी बड़ दुखी, कृपावलोकन करो आमी बड़ दुखी, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई, तवा कृपा बले पाई चैतन्य निताई, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। हा, स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ, हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ, भट्ट जुग श्री जीवा प्रभु लोकनाथ, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संगा मागे नरोत्तम दास, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तम बिना के दयालु जगत संसारे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। हरे कृष्ण। तो क्लास प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागर जातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवम् साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे,
निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी को हरे कृष्णा, फिर से एक बार सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 10। ठीक है, अध्याय 10 का नाम ही क्या है, विभूति योग, यानी भगवान के ऐश्वर्य। तो इससे पहले हम कल जो नवा अध्याय में पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा रिकैप करते हैं। तो कल हमने क्या पढ़ा था कि भगवान जो परम गुह्य ज्ञान उसके बारे में बता रहे थे। तो ये ज्ञान कैसा था ना, सभी विद्याओं का राजा, राज विद्या राज गुह्यम, और क्या था, पवित्रम इदम उत्तमम। ठीक है, तो इसमें भगवान ने बहुत सारी चीजें हमें बताई, खास करके एक बहुत अच्छी चीज बताई, क्या कि वो अपना भक्तों के पास जो होता है उनका क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, जो नहीं होता उन्हें प्रदान भी करते हैं। योग खेमम वहाम्यहम्। उसके साथ भगवान ने क्या बताया, कौन किसकी पूजा करेगा तो कहाँ उसकी गति होगी। यान्ति देवव्रता देवान् पितृ यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्योजिनो अभिमानी। कौन कहाँ जाएगा। फिर उसके आगे भगवान उनको प्रसन्न करने के बहुत सरल विधि बताए थे, किसी को याद है, भगवान को हम कैसे, किस सरल उपाय से भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं, किसी को याद है। हरे कृष्णा, कोई बताना चाहता है। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है ना। तो भगवान ने कहा था ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामी प्रयतात्मना। केवल पत्र पुष्प फल और जल अर्पण करके हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे, अगर उसे हम श्रद्धा और भक्ति से प्रदान करें। ठीक है, तो आज हम अध्याय 10 के बारे में पढ़ेंगे। तो अध्याय 10 का नाम ही है विभूति योग, या भगवान के ऐश्वर्य। तो इसमें क्या ना, भगवान एक तरीके से संकेत के द्वारा प्रकट करेंगे कि सभी वस्तुओं में, सभी प्राणियों में, हर जगह वो कैसे विद्यमान है, सांकेतिक रूप से। वो भगवान नहीं है, सिर्फ वो सांकेतिक रूप से भगवान बताएंगे। तो इससे क्या होगा, अगर हम भगवान के विषय में सब चीज जानेंगे तो भगवान के प्रति क्या होगा ना, हमारी आसक्ति बढ़ेगी और उनके निकटतर हो जाएंगे। और इसमें 4 श्लोक आते हैं जिसको कहा जाता है चतुर श्लोक की गीता। इन 4 श्लोकों को समझने से पूरी भगवद गीता समझ में आ जाएगी, उसकी सारी ही है ये 4 श्लोक। तो क्या कह रहे हैं, देखिए मैंने क्या कहा था, अगर किसी अध्याय में भगवान द्वारा शुरू हो रही है, प्रारंभ हो रही है, तो मतलब अगर भगवान कोई भी अध्याय प्रारंभ करते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये समझना चाहिए, क्योंकि भगवान उसमें अपने बारे में बताएंगे। तो क्या है फिर, क्या कह रहे हैं भगवान। श्री भगवान वाचा भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहम् प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, परमम वचः। क्यों, इससे क्या होगा, अगर भगवान ऐसा ज्ञान देंगे कि जो सभी ज्ञानों से श्रेष्ठ होगा। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि भगवान के बारे में कौन जान सकता है ना,
कैसे जान सकता है, कौन जान सकता है ना? अगर भगवान स्वयं किसी के बारे में बताएंगे, कुछ बताएंगे, तभी हम भगवान के बारे में जान पाएंगे। हम स्वयं अपने बुद्धि द्वारा भगवान के बारे में नहीं जान पाएंगे। तो हम कैसे जान पाएंगे भगवान के बारे में? जैसे अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखाओ, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान बता रहा हूँ। तो हम भी अर्जुन की तरह भक्त बन पाएंगे तो हम भी भगवान को अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है, तो जैसे देखेंगे कुछ लोग क्या कहते हैं कि हमें भगवान को मिलना है, कहते हैं ना, मैं तो भगवान को देखा नहीं, मैं क्यों भगवान को विश्वास करूं? भगवान मेरे सामने तो आए, मैं भगवान को मिलूं तभी तो भगवान पे विश्वास करूं। तो एक बात बताइए, अगर साधारणतः हम किसी भी देश के राष्ट्रपति से मिलना चाहेंगे तो उसके लिए कोई प्रक्रिया होती है या नहीं होती? सीधा सीधा जाके राष्ट्रपति से बिल्कुल नहीं मिल सकते, उन्हें आवेदन करना पड़ेगा, या कम से कम हम उस योग्य तो बने ताकि उनसे मिल सके, वो मिलने का हमें मौका दे। तो ठीक वैसे अगर उस साधारण सा राष्ट्रपति के लिए ऐसा है, तो हम तो जो सबके परम है भगवान, अगर उनसे कोई मिलने चाहेगा तो कम से कम उसकी योग्यता तो कुछ होनी चाहिए कि वहां उन्हें मिल पाए। तो उसके लिए भगवान से मिलने के लिए क्या योग्यता है? वो है भगवान आगे 18 अध्याय में कहेंगे, भक्त्या माम अभिजानाति यवान चस्मि तत्वतः। तो केवल भक्ति द्वारा ही भगवान को हम जान सकते हैं। आगे भगवान क्या करें, बहुत इंपोर्टेंट है, इसको अच्छे से सुनिए। नमे विदुः सुरगणः प्रभवं नाम हर्षयः, अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति ऐश्वर्य को जानते हैं और ना महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप या उद्गम। तो इसका पहला भाग को, जो पहले लाइन को देखेंगे, क्या लिखा हुआ है? नमे विदुहु सुरगणा प्रभवम ना महर्षय। अर्थात भगवान क्या कह रहे हैं कि मुझे ना विद्वान, ना श्रेष्ठ सुरगण, ना महर्षिगण, मुझे कोई भी नहीं जान पाएगा। कैसे जान पाएंगे और क्यों नहीं जान पाएंगे? अब देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि भगवान जब प्रकट होते हैं दो तरीके की लीला करते हैं, एक होता है लौकिक लीला, एक होता है अलौकिक लीला। लौकिक लीला में क्या करते हैं भगवान? माखन चुरा के खाते हैं, गैया चराने जाते हैं, यशोदा मैया को परेशान करते हैं, उनसे डांट खाते हैं। अलौकिक लीला में क्या है? भगवान गोवर्धन लीला करते हैं, अपने छोटी उंगली में इतना बड़ा पहाड़ उठा लेते हैं, छोटे से कम उम्र में पूतना जैसे राक्षसी को मार देते हैं, और दूसरे कितने साहसिक कार्य करते हैं, है या नहीं? तो अगर जैसे देखेंगे कि उसमें कौन कौन, ब्रह्मा जी, ब्रह्म विमोहन लीला के बारे में आपने सुना होगा ना, कैसे वो कैसे मतलब रह गए थे, देखिए। फिर इससे आगे जैसे भगवान कह रहे हैं, अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वस्व, मतलब देवता और महर्षि भी उन्हें नहीं समझ पाते क्योंकि वो सबका मूल है। तो भगवान जैसे कह रहे हैं कि अभी जैसे ब्रह्म विमोहन लीला, तो ब्रह्म विमोहन लीला में क्या होता है, ब्रह्मा आते हैं तो देखते हैं क्या कि एक ग्वाल वाल के साथ एक बच्चा बैठ के उनके साथ उनके झूठन खा रहा है, उनको खिला रहा है। तो बोले ये कैसा भगवान है जो इनके साथ, वो तो परम ब्रह्म, इनके साथ ऐसे क्यों बैठे हैं? तो वो क्या करते हैं, उनकी गैयों को ले जाते हैं, बछड़ों को ले जाते हैं। फिर क्या होता है, जब कृष्ण उन्हें ढूंढने जाते हैं तो आते देखते हैं तो उनके दोस्तों को ले जाते हैं। फिर बाद में वो कहानी आगे हम सुनेंगे, तो ब्रह्मा भी फिर ब्रह्मा को विमोहन हो जाते हैं, उनके फिर मुंह तोड़ते हैं। फिर और क्या था, जैसे इंद्र को बहुत हो गया था ना, गर्व हो गया था, उसने कितना बारिश किया, तो भगवान ने क्या कर लिया ना, गोवर्धन को उठा लिया और सबकी रक्षा की, जो गोवर्धन लीला। तो ये लोग क्यों नहीं जान पाते, देवता महर्षिगण भी नहीं जान पाते, इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि भगवान ही सभी का मूल है, सब भगवान से ही उद्गम हुए हैं। तो भगवान कह रखे हैं ब्रह्म संहिता में, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम, मतलब वेदों के द्वारा पढ़ के भी भगवान को नहीं जान सकते, क्योंकि जो वेद तो पढ़ते हैं लेकिन वो
समझ नहीं पाते। तो अब देखिए दूसरा लाइन में भगवान बताए तो रहे ना, अहर महादेव ही देवानाम, तो देवता भी उन्हें पढ़ के नहीं जान सकते। देखिए जैसे ब्रह्मा, ब्रह्मा तो सभी वेदों के भगवान के द्वारा शिक्षा प्राप्त कर लिया, हमसे बड़ा उनके चार सर है, उनका शरीर बुद्धि तत्व तो से बना है, फिर भी वो भगवान को नहीं जान पाते। तो भगवान को कैसे जान पाएंगे ना, भगवान को जैसे देखिए कि सबके भगवान पिता है, अहम पिता माता पीछे पहले नवम अध्याय में बताए थे ना, तो भगवान सभी के पिता है, तो हम अपने पिता के बारे में कैसे जान पाएंगे। तीन तरीके होते हैं, या तो हमें अपनी माँ बताएगी, या तो कोई हमारे परिवारजन बताएगा है या नहीं, या पिता हमें आके स्वयं बताएंगे, तभी हम पिता के बारे में जान पाएंगे। तो जैसे मान लीजिए जो माँ ना शास्त्रों को माँ की आख्या दी है, जितने हमारे शास्त्र है, तो हम शास्त्र से भगवान के बारे में जान पाएंगे। दूसरा कौन, भक्त, भक्त या गुरु से हम भगवान के बारे में जान। तीसरा क्या है ना, स्वयं भगवान जब हमें बताएंगे तभी हम जान पाएंगे उनको। तो यहाँ भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि भगवान सभी कारणों को कारण है, सभी के बारे में जानते हैं। अभी आगे भगवान क्या कहें, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित है और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जो भगवान को अजन्मा और अनादि, अजन्मा मतलब भगवान की कभी जन्म नहीं होता, भगवान ने चौथे अध्याय में कहा था, क्या याद है किसी को, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। तो भगवान का जन्म और कर्म क्या होता है, दिव्य होता है। भगवान क्या कह रहे, भगवान अनादि मतलब आदि मतलब पुराना, उससे भी जो पुराना है वो क्या है, अनादि। तो भगवान ऐसे और क्या है, सब लोकों के स्वामी है, सब सर्वलोकम महेश्वरम, हमने 5.29 में पढ़ा था ना, सर्वलोकम महेश्वरम शांति सूत्र में भगवान ने कहा था। तो क्या होता है ना, भगवान क्यों आता है, भगवान का जन्म क्यों होता है ना, भगवान भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान आते हैं। पढ़ा था ना कि कब आते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, और क्यों आते हैं, चौथे अध्याय में पढ़ा था ना कि भगवान भक्तों को रक्षा करने के लिए उसको और उनको आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं। तो भगवान का कुछ होता है ना, जैसे देखिए विरोधी गुण होते हैं, वो जन्म लेते हैं प्रकट होते हैं, किसीलिए कि जैसे देखा जाए तो पिछले अध्याय में हमने कहा था कि भगवान ने कहा था ना चौथे 9.4 में कि मैं इस ब्रह्मांड में, ये सारा ब्रह्मांड मेरे से है लेकिन मैं इस ब्रह्मांड से अलग हूँ। जैसे वो भगवान को अपने जैसे मुंह में मिट्टी खा लिया था तो यशोदा मैया ने देखा था, तो भगवान कहाँ थे, इस ब्रह्मांड के अंदर थे, लेकिन उनके मुंह में क्या था, यशोदा मैया ने पूरा ब्रह्मांड देख लिया। तो भगवान के अंदर ऐसे विरोधी गुण भी होते हैं। जैसे हम नृसिंह देव की एक प्रार्थना करते हैं, इतो नरसिंह पर तो नरसिंह, वही नृसिंह हृदय नृसिंह, भगवान बाहर भी है और हृदय के अंदर भी है, ठीक है। और देखा जाए तो भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, भगवान को देवकी माता के गर्भ से आने की क्यों जरूरत थी, कि वो देवकी माता को क्या, भक्त को क्या करना चाहते थे, आनंद देना चाहते थे, नहीं तो भगवान तो नृसिंह देव कैसे आए थे, खंबे को फाड़ कर वहां से प्रकट हो गए। तो भगवान कहीं से भी आ सकते हैं। आगे क्या कह रहे हैं देखिए, सप्तर्षि गण तथा उनसे भी पूर्व चार अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न है, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो जैसे भगवान क्या कह रहे हैं, या मानव जाति का उत्पन्न कैसे हुआ, किस किस से हुआ, उसके बारे में बता रहे हैं। तो जैसे ब्रह्मा जी के चार पहले मानस पुत्र थे चतुर कुमार, जिससे मैंने कहा था कौन सी संप्रदाय आती है, कुमार संप्रदाय, निम्बाकाचार्य वाले उनके जो प्रधान आचार्य, तो ये कौन है, सनक सनातन सनातन सनत कुमार, ठीक है, ये चारों से आते हैं। और कौन ना, जो सप्तर्षि, वशिष्ठ कश्यप अत्रि जमदग्नि गौतम विश्वामित्र और
आप देखेंगे तो अभी मानव समाज में जो गोत्र है ना, हम गोत्र देखते हैं, गोत्र इन्हीं सप्तर्षियों से आया है। एक तरीके से देखा जाए तो ये सारे वंशावली इन्हीं से ही आया है। तो यही क्या होते हैं ना, जो मानव जीवन का जो उत्पन्न होती है मानव जाति, इन्हीं से ही उत्पन्न हुई है, इन्हीं से ही सभी लोग अवतरित हुए भगवान कह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर एक छोटा सा पुस्तक भी लिखा है, लाइफ कम फ्रॉम लाइफ, लाइफ कम फ्रॉम लाइफ, इसको आप पढ़ सकते हैं, हर एक स्टोन में मिलेगा, बहुत छोटी किताब, इसमें बहुत डिटेल में बताया गया है। ठीक है, आगे क्या भगवान कह रहे हैं, भगवान आगे कह रहे हैं क्या, एताम विभूतिम योगम च ममो यो वेति तत्वतः स्वाविकल्पेन योगेन युज्यते मात्र नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो जो भगवान और उनके ऐश्वर्य के बारे में जान लेता है तो क्या होगा, अगर हम देखे भगवान के ऐश्वर्य के बारे में अच्छी तरह जान लेंगे तो क्या होगा, हम अपने आप को उनका दास समझ लेंगे कि ये क्या है ना, जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम क्या है भगवान के नित्य दास। भगवान के बारे में जब हम जान लेंगे तो क्या होगा ना, हम अपने आप को क्या मान लेंगे, हम भगवान के क्या है ना, दास है। तो हम उनके एक तरीके से दासता स्वीकार कर लेंगे, जैसे अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कह लिया था, शिष्यस्ते हम साधि माम प्रपत्तुम, तो ऐसे ही हम भी स्वीकार कर लेंगे। तो जो आने वाला है इसमें आगे 4 श्लोक, उसको क्या कहा जाता है, चतुर्श्लोक की गीता। इस 4 श्लोकों में भगवान सब कुछ अपने बारे में, भक्त के बारे में और कैसे उसका क्या क्या करते हैं, ये 4 श्लोकों में भगवान बताने वाले हैं। तो इस 4 श्लोकों को हम ध्यान से पढ़ेंगे, आप थोड़ा ध्यान दीजिए और ध्यान से देखिए 4 श्लोक क्या आ रहा है। ठीक है, पहले भगवान 8वां श्लोक में क्या कह रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। न मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है, जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वह मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो यह श्लोक हमें क्या बता रहा है कि भगवान के बारे में बताता है, क्या भगवान कह रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं ही सबका मूल हूं, मतः सर्वम प्रवर्तते है, मुझसे ही जितने आध्यात्मिक और भौतिक चीजें निकलते हैं, उद्धृत होते हैं। तो सबका मूल कारण कौन है, सबका कारण स्वरूप कौन है, भगवान, वो स्वयं अपने मुख से यहाँ बता रहे हैं। ब्रह्म संहिता में जो पहला श्लोक है, ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ना परम ईश्वर कौन है, कृष्ण है, उनका रूप कैसा है, सच्चिदानंद, और क्या है, वो सभी चीजों का मूल है, अनादिर आदिर कौन है, वो गोविंद है, और क्या है, सभी कारण सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण है। तो सबका मूल, जैसे द्वितीय लाइन में भगवान कह रहे हैं मता सर्वम प्रवर्तित, तो सबका मूल, सभी चीजों का मूल, चाहे आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, सभी चीजों का उद्गम उत्पत्ति किससे हो रही है, भगवान से हो रही है, और यही भगवान की महिमा है। अगर हम भागवतम में देखेंगे, भागवत के प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय में, वहां क्या कहते हैं सुखदेव जी कि एते चांस कला पुंस कृष्ण ही भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम रुढ़यन्ति युगे युगे। ना भगवान के जितने दूसरे अवतार है वो क्या है,
उनके अंश या अंश कलाएं हैं, लेकिन कृष्ण परम पुरुष स्वयं भगवान है। ठीक है, आगे भगवान क्या कह रहे हैं ये श्लोक में। अब जैसे भगवान पहले में अपने बारे में बताए, ये भगवान अपने भक्त के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? मच्चिता मत गता प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में बास करते हैं, अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वह एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो फर्स्ट श्लोक में भगवान क्या है, अपने बारे में बताए। अभी क्या ना, भक्त और उसका लक्षण, उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। पहले क्या कह रहे हैं, मत चित्ता, अर्थात भगवान में सदैव अपना मन लगाकर रखता है कौन, भगवान का भक्त। फिर क्या कह रहे हैं, इससे क्या होता है, जब हम भगवान का मन, उनका भक्त बिल्कुल भगवान पे मन लगाएगा तो क्या होगा है? ना, जो दूषित विचार है वो उसके मन में नहीं आएगा, वो केवल किसके बारे में सोचेगा, भगवान के बारे में सोचेगा। फिर क्या कह रहे हैं, मत गता प्राण, तो भक्त अपना संपूर्ण जीवन क्या करता है ना, भगवान की सेवा में लगा देता है। अगर हम देखेंगे कर्मयोगी क्या करता है, अपने इंद्रियों से भगवान की सेवा करता है। अष्टांग योगी किससे भगवान की सेवा करता है, मन से। ज्ञान योगी अपने बुद्धि से करता है। लेकिन यहाँ भक्त क्या करता है ना, पूरा अपने शरीर इंद्रिया मन पूरा संपूर्ण जीवन ही भगवान की सेवा में, सब तरह से सेवा में बिता देता है, पूरा जीवन समर्पण कर देता है। फिर आगे क्या कह रहे हैं भगवान, बोधयंतः परस्परम। ये शब्द आप याद रखिए, इसको आप प्रैक्टिकली लाइफ में अनुभव कर पाएंगे। कैसे, बोधयंतः परस्परम, अर्थात भगवान क्या कह रहे हैं कि भक्त जो है आपस में किसके बारे में, भगवान के बारे में बातचीत करते हैं और चर्चा करते हैं। उससे क्या होता है, कथयंतश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। इससे क्या होता है ना, उन्हें बहुत आनंद आता है। फिर वो क्या करते हैं, आपस में तो बात करते हैं, साथ ही साथ सबको भगवान के बारे में बताते भी हैं। जैसे उदाहरण में हम देखेंगे प्रभुपाद, प्रभुपाद भगवान के इतने बड़े भक्त थे, अपने तक सीमित नहीं रखे, पूरे संसार में दुनिया भर में क्या किया ना, भगवान का नाम का प्रचार किया, पूरा अपना संपूर्ण जीवन बिता दिया। अगर आप देखिए, मैं जैसे कह रहा था कि प्रैक्टिकल बोधयंतः परस्परम, आप देखिए, अगर आप जैसे भक्ति में आए हैं, आपका कोई मित्र ऐसे ही अगर भगवद गीता में भक्ति में आया होगा, ये गारंटी देता हूँ, आप पहले जब मिले होंगे आप इधर उधर के बातें, भौतिक बातें कर रहे होंगे, लेकिन आप भगवत गीता सुनने के बाद, पढ़ने के बाद अगर दोनों इसको समझ गए होंगे ना, तो जब भी आप आपस में मिलेंगे आप सिर्फ भगवान के बारे में चर्चा करेंगे। ये बिल्कुल फैक्ट है, ये प्रैक्टिकल है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आगे क्या कह रहे हैं, अब आगे भगवान क्या कह रहे हैं, इससे आगे 10वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयन्ति ते। हरे कृष्ण, कोई इसका श्लोक का अनुवाद पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण महाराज जी। हरे कृष्ण, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। हरे कृष्ण, हरे बोल। तो
तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर जैसे पहले में भगवान अपने बारे में बताए, दूसरे में भगवान भक्त के बारे में बताए, अभी क्या है ना, भगवान क्या बता रहे हैं कि किस प्रकार भगवान भक्त पे कृपा करते हैं। ठीक है, भगवान कितने कृपालु है ये भगवान यहाँ बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान कि अगर जैसे देखेंगे ना, कुछ लोग ज्ञान का अनुशीलन करते हैं किसके लिए, भगवान को पाने के लिए, लेकिन उनसे क्या होता है, वो ज्ञान तो बहुत लेते हैं, भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में नहीं जान पाते, भक्ति के लिए वो समय नहीं दे पाते जैसे ज्ञान योग में। ठीक है, लेकिन अगर कोई भक्ति करता है तो क्या होता है ना, भक्ति करते करते, क्योंकि हमारे अंदर कौन है, परमात्मा बैठे हुए हैं हृदय में, तो भगवान उन्हें अंदर से ही ज्ञान प्रदान कर देते हैं। कैसे ना, देखिए ये आपका अपना स्वयं उदाहरण लीजिए, जब भगवत गीता को आपका एक तो मिला होगा, लिंक ही तो मिला था, आपने क्या किया, प्रयास तो थोड़ा किया कि मैं ज्वाइन कर लूं, रजिस्ट्रेशन कर लूं, फिर आपने क्या प्रयास किया, हरे कृष्ण थोड़ा क्लास ज्वाइन करके देख लूं, फिर आपने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, तो क्या हुआ, आप जितना प्रयास किए तो आज आप जुड़ पाए। इसका अर्थ आपको किसी ने अंदर से प्रेरित तो किया, वो कौन है, वो भगवान ही है। अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे तो भगवान अपनी ओर से 10 कदम बढ़ा के आपकी निश्चित रूप से सहायता करेंगे। भगवान यही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तेसं सतत युक्ता नाम भजतम प्रीति पूर्वक। अगर श्रद्धा प्रीति पूर्वक हम भगवान को क्या करेंगे, पूजा करेंगे, तो भगवान क्या करें, ददामि बुद्धि योगतम येन माम उपयन्ति ते, तो भगवान क्या करेंगे कि मैं उसे क्या करूंगा, अपने पास बुलाऊंगा, कैसे ना, बुद्धि योगम यानी भक्ति देकर, ज्ञान देकर, उसको भगवान क्या करेंगे कि मैं ज्ञान दूंगा जिससे वो मेरे पास वापस आ जाए। जैसे आप देखेंगे ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज नन्हे से बालक थे, वो क्या ना अपने पिता के गोदी में बैठने की को प्रयास कर रहे थे, तो उनकी जो बड़ी माँ थी यानी महारानी, बड़ी महारानी, तो उन्होंने क्या किया, उनका पुत्र उनके पिता के गोदी में बैठा था, उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र बड़ा है ये बैठेगा, तुम मत बैठो। तो जैसे जाके वो अपने माता को कहते हैं कि मुझे बड़ी माँ ने ये कहा तो मुझे और बड़ा राज्य चाहिए, मैं भी राजा बनूं, तो उनकी माता ने कहा कि ठीक है, तुम्हें इतना बड़ा राज्य सिर्फ भगवान दे सकते हैं, तुम भगवान से जाके ये चीज मांगो। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया ना, जंगल में चले गए। अब छोटा सा नन्हा सा बालक, वो क्या कर रहे हैं ना, भगवान को ढूंढ रहे हैं, किसी जानवर में भगवान को ढूंढ रहे हैं, पेड़ में भगवान को ढूंढ रहे हैं, पंछी में भगवान को ढूंढ रहे हैं। अब भगवान देखे कि उनका एक नन्हा सा वक्त घूम रहा है, तो उन्होंने क्या कहा, क्या किया ना, नारद मुनि को उनके पास भेज दिया, भगवान सहायता करते हैं, तदाम बुद्धि योग। तो नारद आए और भगवान के बारे में ध्रुव महाराज को बताया, तो ध्रुव महाराज ने क्या किया ना, तपस्या तो किया, फिर भगवत प्राप्ति उनकी, कैसे भी मैंने बताया था इससे पहले, फिर भगवान को जब बोले कि तुम मांगो, तो नारद क्या कहा, ध्रुव महाराज ने बोला कि मैं तो कांच का टुकड़ा मांगना चाहता था, आप तो मेरे सामने स्वयं हीरा मिल गए। तो फिर भी भगवान ने क्या किया, अपना शंख उनके सर पे लगाया, तो उन्हें सब चीज का ज्ञान आ गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो बुद्धि ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, भगवान हमें प्रदान करते हैं गुरु के द्वारा, साधु के द्वारा, या कभी वो शास्त्र के रूप में प्रकट होते हैं, जैसे कि भगवत गीता, भागवत आदि के रूप में भगवान प्रकट हो रहे हैं, ताकि हम भगवान को जान सके, उनके पास वापस जा सके। ठीक है, अब भगवान आगे क्या करें, तेसाम एवा अनुकम्पार्थम अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्य आत्मभावस्थो ज्ञान दीपे न भास्वता। तो क्या कह रहे हैं भगवान, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर कर देते हैं। ठीक है,
क्या होता है ना, जब हम गुरु, साधु अथवा शास्त्र की शरण में जाते हैं तो क्या होता है ना, इसकी व्यवस्था कौन कर रखा है पहले से? भगवान ने व्यवस्था कर रखा है ना। भगवान ने ही तो गुरु को दिया है, भगवान ने ही शास्त्र को दिया है ना। साधु भी तो, जो साधु पुरुष है भक्त वो तो भगवान का ही दिया हुआ है। तो जब हम जाते हैं तो क्या होता है ना, हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। बिना गुरु के हम आध्यात्मिक ज्ञान नहीं ले सकते। हम भौतिक ज्ञान तो बहुत ले सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान केवल गुरु से ले सकते हैं। चौथे अध्याय में भगवान ने क्या कहा था, तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शन। तो हमें गुरु के पास जाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, बिना पूर्वक उनसे प्रश्न पूछना चाहिए, तभी गुरु हमें ज्ञान देंगे। तो भगवान क्या है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि मैं उनके हृदय में, चित्त में वास करते हैं, तो भगवान को चैत्य गुरु कहा जाता है। अंदर से भगवान क्या करते हैं, हमें ज्ञान देते हैं। तो भगवान अंदर से ज्ञान देते हैं कैसे, चैत्य गुरु के रूप में, और उनका ही प्रतिनिधि बाहर हमें जो गुरु मिलते हैं वो कौन है, हमारे शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु। वो भगवान के ही समान है, वो उन्हीं के ही प्रतिनिधि है। वो हमें व्यास बाहर से ज्ञान प्रदान करते हैं, भगवान अंदर हमें चित्त से चैत्य गुरु के रूप में क्या करते हैं ना, हमारे जितने अज्ञान हैं उसको दूर करते हैं। कैसे ना, ज्ञान की दीपक जलाकर। तो हमारा मार्गदर्शन बाहर से गुरु उनके रूप में करते हैं। जैसे हम देखेंगे, देखिए यहाँ दो चित्र है, ये कौन है, परीक्षित महाराज। उनको 7 दिन पहले पता चल गया था कि उनकी मृत्यु होने वाली है, तो उन क्या किए ना, सुखदेव मुनि के शरण में गए। तो उनको ठीक वैसे माता देवहूति, उनके जो पुत्र थे कपिल मुनि, उनको वेद शास्त्र का ज्ञान नहीं था, वो उनके शरण में गए, उनके द्वारा क्या हुआ ना, वो मुक्ति मिली। तो कहने का अर्थ ये है, भगवान भक्तों पे कृपा करते हैं, कैसे ना, गुरु द्वारा, साधु द्वारा और शास्त्र द्वारा, जैसे कि हम उन्हें जान पाए और उनके धाम को वापस जा पाए। पर भगवान बार बार हमें अपने पास बुलाए। अभी देखिए आगे क्या कह रहे हैं। अब अर्जुन ने तो सुन लिया है सब कुछ, अब इतना जल्द सुन लिया अर्जुन ने, अब अर्जुन भगवान के बारे में अपनी क्या राय दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भगवान कितने कृपालु है, ये तो अर्जुन ने जान लिया। अब अर्जुन की प्रतिक्रिया क्या होती। अर्जुन उवाच, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्वा अमृषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवल व्यासः स्वयं चैव प्रविशि मे। देखिए क्या करें, आहुस्त्वावम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवल व्यासः स्वयं चैव प्रविशि मे। हरे कृष्ण, इसका सब अर्थ कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ हरे कृष्ण। तो इसी तो की जाए पता आपने कहा आप परम धाम परम पवित्र परम सत्य आप दिव्य आदि पुरुष भजन महान नारद असित देवल तथा व्यास जैसे उसी आपके इस सत्य की पुष्टि कर रहे हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे आ रही है। अरे हरे कृष्ण। तो देखिए अर्जुन इतने खुश हो गए भगवान के बारे में सुन के, अर्जुन ने उनकी स्तुति की। कैसे ना, आप परम ब्रह्म है, हम सब ब्रह्म है, आप परम ब्रह्म है, और क्या है ना, आपका
धाम भी परम धाम है। और क्या है, आप पवित्र है। मैंने कल कहा था ना कि भगवान के चरणों से गंगा निकली है जो इतनी पवित्र है, तो भगवान खुद कितने पवित्र हो गए, और आप परम है। आगे क्या है, आप शाश्वत पुरुष में पुरुष है, ठीक है, आप आदि देव है और आप विभु। आगे क्या कह रहे हैं कि ये बात देखिए, जैसे अगर हम इसको देखेंगे कि भगवान की अर्जुन ने इतने अच्छे से स्तुति की, तो भगवान कौन थे, अर्जुन के मित्र थे, है या नहीं? अभी तो मित्र की तरह ही अर्जुन उन्हें देख रहे थे, तो कोई तो ये कहेगा कि नहीं, अर्जुन के तो दोस्त है, सखा है, मित्र है, इसलिए वो भगवान की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। चलो झूठ से ही प्रशंसा कर रहे हैं, है, ये तो कोई कह सकता है, क्योंकि अर्जुन तो उनका मित्र है, जानने वाले हैं, इसलिए भगवान की इतनी सारी क्या है ना प्रशंसा कर रहे हैं। तो अभी दूसरे श्लोक में अर्जुन क्या कह रहे हैं, आहुष आहु स्यात् अमृषयः सर्वे देवर्षि नारद असितो देवल व्यास स्वयं चैव प्रभुसि। तो यहाँ क्या कह रहे कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अर्जुन कह रहे ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कौन कौन कह रहा है, ना देवर्षि नारद। नारद तो ऋषियों में जो देवताओं में सबसे श्रेष्ठ है ना, देवर्षि की उपाधि होने में लिए, वो कह रहे हैं, और कौन कह रहा है, असितो, असित कह रहे हैं, देवल कह रहे हैं, और जो भगवान के सत्यावेश अवतार व्यास देव, इनकी क्या है ना आविर्भाव इसलिए ये हुआ था कि वो वेदों के विभाजन कर सके, और क्या है ना महाभारत और पुराण ये सब लिख सके, तो वो खुद वो कह रहे हैं, और लास्ट में स्वयं चैव ब्रविश में, ये आप खुद अपने बारे में कह रहे हैं, है या नहीं, भगवान खुद ही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं? तो भगवान के बारे में जो इतना अच्छा जो स्तुति हुई है अर्जुन ने किया है, तो कह रहे हैं अर्जुन देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब लोग कह रहे हैं। तो हमें क्या करना है, देखिए तो भगवान का भी यही मत है, ठीक है, तो हमें ये करना है कि अर्जुन जिस रूप में भगवान को समझ रहे हैं यहाँ, अब जैसे वो चार श्लोक सुनने के बाद अर्जुन समझ गए कि भगवान ये है, ठीक है या नहीं, तो हमें अर्जुन की तरह भक्ति करनी पड़ेगी और अर्जुन के ही पद चिन्हों में हमें अनुसरण करना पड़ेगा, अगर अगर भगवान को हम समझना चाह रहे हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हम भगवद गीता को सही रूप में समझ पा रहे हैं, हमें तभी पता चलेगा जैसे अर्जुन ने भगवान को यहाँ समझ लिया चार श्लोकों में, और कह रहे हैं आप परम ब्रह्म है, परम पवित्र है, परम भवान है, शाश्वत दिव्य पुरुष है, आदि पुरुष है, तो अगर हमारे मन में भी ये आएगा तभी हम जान पाएंगे कि हम भगवद गीता को सही से पढ़ पा रहे हैं, जैसे भगवान से अर्जुन समझ रहे हैं हम भी इसको पढ़ के समझ पा रहे हैं, क्योंकि भगवान क्या कह रहे थे, जैसे हम देखे थे कि बाजार में बहुत सारे भगवत गीता है, ऐसे सारे कल मैंने बताया था ना कि 850 से ज्यादा उसकी लिपियां हैं, रूपांतर के करते हैं लोग, लेकिन उसमें वो भगवान को ही गायब करते हैं, यहाँ भगवान की शाश्वत व्याख्या की गई है, भगवान खुद अपने मुंह से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ये मेरा, मैं ही सबका मूल हूँ, अहम सर्वस्य प्रभव मत सर्वम प्रवर्तते, तो इसको समझना पड़ेगा। और एक तरीके से अर्जुन क्या बता रहे हैं, असित देवल नारद और व्यास ये कैसे आए हैं, नारद जी व्यास देव जी के गुरु थे, असित देवल भी गुरु शिष्य परंपरा से आए हैं, तो एक तरीके से यहाँ जो गुरु शिष्य परंपरा उसको यहाँ अर्जुन द्वारा प्रतिपादित कर रहे हैं। भगवान ने चौथे अध्याय में कहा था ना, क्या कहा था, दूसरे श्लोक में कहा था कि ये गुरु परंपरा से आया है, भगवत गीता को गुरु परंपरा से सुना जा रहा है, तभी इसको समझ पाएंगे। तब आगे क्या कह रहे हैं देखिए, सर्वमेतद्यन्तं मन्ये यन्मा वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः ना, हे कृष्ण आपने मुझसे जो कुछ कहा उससे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ, हे प्रभु ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपको
स्वरूप को समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के समीप, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने आप को अंतरंगा शक्ति से जान। तो यहाँ अर्जुन क्या कर रहे हैं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया, क्या स्वीकार कर लिया कि जो भगवान कह रहे हैं वो पूर्ण रूप से सत्य है, क्योंकि उनके बारे में कोई और नहीं कह सकता, भगवान ही अपने बारे में सब कुछ समझा सकते हैं, भगवान ही अपने बारे में कह सकते। अब अर्जुन क्या कह रहे हैं कि हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अर्जुन क्या कह रहे हैं, दोबारा पूछ रहे हैं कि भगवान आप आपके ऐश्वर्य के बारे में बताइए, लेकिन वो तो बहुत अनंत है, मैं आपको कैसे अनुभव करूं, कैसे देखूं? सातवें अध्याय ने भगवान सातवें अध्याय में भगवान ने शुरू कर दिया था ना कि रस अप्स हम कौन्तेय प्रभास शशि सूर्य, मैं पानी का जल का स्वाद हूँ और क्या हूँ ना, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ। तो ऐसे उन्होंने आरंभ कर दिया। तो इस तरह इस अध्याय में भगवान क्या करेंगे ना, अपने ऐश्वर्य के बारे में बताएंगे। इससे क्या होगा ना, इससे हमारा चिंतन भगवान की ओर और बढ़ जाएगा। और एक और चीज क्या होगा, यहाँ देखिए दूसरे में अर्जुन क्या कह रहे हैं कि आपको जितना सुनता हूँ उसके शब्द मुझे अमृत का चखना जैसा हो रहा है। तो एक तरह से क्या होता है ना, जो भगवान का सच्चे भक्त होता है वो क्या होता है ना, भगवान की कथा, भगवान की लीला, भगवान की गुण उसे क्या लगते हैं ना, बुद्धि समान लगते हैं, वो कभी तृप्त नहीं होते, जितने सुनते हैं और सुनने की इच्छा मन में जागृत होती है। अब कैसे देखेंगे, जैसे हम टीवी पे देखिए रामायण कितनी बार आ गया है, जितनी बार भी आता है हमें उतनी बार देखने की इच्छा होती है, रामलीला हर साल हर किसी के नुक्कड़ गली में होता है, फिर भी लोग हर साल करते हैं, हर बार देखने जाते हैं, क्योंकि भगवान की लीलाएं हमेशा नया होते हैं। जैसे हम देखेंगे भागवतम की जैसे कथा, सनत जो सूत गोस्वामी जैसे नमीशारणी के जो अलग ऋषि होंगे उनको जब सुनाने जाएंगे तो लोग कहेंगे क्या है, स्वादु स्वादु पदे पदे, अर्थात हर पद भगवान का बहुत स्वाद देता है, बहुत तृप्ति प्रदान करता है। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि मैं उसे और सुनना चाहता हूँ, क्योंकि उसको सुनने से अमृत की चखने जैसा लगता है। तो यहाँ भगवान 19वें श्लोक से 38वें श्लोक तक अपने ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं। देखिए भगवान का ऐश्वर्य तो अनंत है या नहीं? भगवान ने क्या कहा कि भगवान ने कहा मैं तुम्हें मेरी शानदार अभिव्यक्ति के बारे में बताऊंगा, लेकिन उनमें से केवल जो प्रमुख है, क्योंकि बहुत सारे असीम है, अनंत है। तो भगवान का ऐश्वर्य तो अनंत है, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ है प्रमुख है, ठीक है, उसमें भगवान हमें संकेत रूप में बता रहे हैं। तो ये जो बता रहे हैं इसके बारे में, ये भगवान नहीं है, लेकिन भगवान क्या है, संकेत के माध्यम से बता रहे हैं कि ये श्रेष्ठ है। कैसे श्रेष्ठ है, ठीक है, पहले क्या बता रहे हैं, आदित्य नाम अहम विष्णु, जितने सारे आदित्य, 12 आदित्य, आदित्य के 12 पुत्र थे तो उसमें विष्णु है। फिर क्या कह रहे हैं कि जितने आसमान में तारे हैं, तारों में सबसे चमकदार कौन है, आसमान में चाहे कितना भी तारे हो उनमें वो चंद्रमा है, अगर एक चंद्रमा होगी तो तारों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक चंद्रमा कितना सुंदर होता है रात में, बिना चंद्रमा के आकाश कैसे दिखता है। फिर क्या कह रहे हैं, ना वेदों में सामवेद, सामवेद के कुछ पाठ होते हैं जो गाने में अत्यंत सुमधुर होते हैं, तो भगवान कह रहे हैं वेदों में सामवेद, और देवताओं में इंद्र, क्योंकि इंद्र देवताओं के राजा। फिर क्या कह रहे हैं, इंद्रियों में मन, मैंने दिखाया था ना जो 5 घोड़े, उन इंद्रियों को कौन कंट्रोल करता है ना, हमारा छठा इंद्रिय जो अंत इंद्रिय कहा जाता है वो है मन।
और आगे भगवान क्या कह रहे हैं, ना जीवित प्राणियों में वो जीवन करती है, जो चेतना रूप में हर किसी के प्राणी में बह रहा है वो भगवान का क्या है ना ऐश्वर्य जानो। फिर आगे कह रहे हैं रुद्रों में शिव हूँ, 11 प्रकार के रुद्र है, 11 रुद्रों में वो शिव है, और यक्ष राक्षस समय कुबेर है, सभी धन संपदाओं के मालिक। और पुजारियों में कौन है, बृहस्पति है। और सेनापतियों में कौन है, ना देवताओं के सेनापति जो प्रमुख है, सबसे शक्तिशाली हुए स्कंद यानी कार्तिक है। जलाशय में सागर है, इतना बड़ा जलाशय देख लो कहाँ पे है, समुद्र, समुद्र का कोई अंत ही नहीं होता। फिर ऋषियों में कौन है, मुनियों में भृगु मुनि, और ध्वनियों में ओम, ओम के बिना कोई भी मंत्र प्रारंभ नहीं होता। फिर नाम में क्या है, कह रहे हैं यज्ञों में ना जप यज्ञ, तो नाम जप, भगवान का नाम जप करना कलयुग के लिए परम यज्ञ है। अगर कोई यज्ञ करना चाहते हैं तो हम क्या करें, ना भगवान का नाम को जपे, यहाँ भगवान खुद कह रहे हैं जप यज्ञ। और अचल चीजों में क्या है, हिमालय, हिमालय जैसा स्थिर कुछ भी नहीं। वृक्ष में अश्वत्थ वृक्ष है, और देवर्षियों में कौन है, नारद, नारद देवताओं में जो जितने ऋषि हैं उनको देवर्षि के पद मिले, भगवान के शुद्ध भक्त है। बहुत सारे देखेंगे, व्यास देव देखेंगे, फिर हम जैसे देखेंगे कौन थे ना, ध्रुव महाराज देखेंगे, प्रहलाद महाराज देखेंगे, ये जब वाल्मीकि देखेंगे उनके सबके गुरु कौन है, नारद। फिर चित्ररथ गंधर्व है, जो गंधर्व होते हैं बहुत अच्छे गायक होते हैं, गंधर्व ऊपर निवास करते हैं, उनमें से भी चित्ररथ गंधर्व श्रेष्ठ है, तो भगवान कह रहे हैं चित्ररथ है। फिर आगे क्या बता रहे हैं, पुरुषों में पुरुषत्व है, और हथियारों में शस्त्रों में क्या है, वज्र है, गायों में सुरभि गाय है, और कंदर्प है किसमें ना, जो कंदर्प क्या होता है ना, सबसे सुंदर होते हैं वो कंदर्प होते हैं, सांपों में वासुकी है, नागों में अनंत नाग है, और पानी के जो जलीय देवता में वरुण है, और पूर्वजों में आर्यमा, जो हमारे आर्यमा कौन है ना, एक तरीके से ये जैसे हमारे पितृ होते हैं ना, पितृ में आर्यमा पितृ, और जो दंड या कानून हमारे जो विधि है उसमें यमराज है, दैत्यों में प्रहलाद है, और सबको जो बस में करता है उसमें भगवान क्या है, समय है, जानवरों में सिंह है। तो इसका मतलब ये नहीं कि शेर के सामने जाए बोले कि धूप चढ़ाए अगरबत्ती लगा दे कि भगवान आप ही हो, नहीं, भगवान बार बार कह रहे हैं कि मैं सांकेतिक रूप से कह रहा हूँ, जानवरों में श्रेष्ठ यहाँ सिंह है, बलशाली है, तो जो श्रेष्ठ भगवान कह रहे हैं कि तुम ऐसा अनुभव करो संकेत के माध्यम से। पक्षियों में गरुड़ है, शुद्ध करने वालों में हवा है। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है अभी? हरे कृष्णा। जी हाँ, मछलियों में और नदियों में गंगा है, और रचना में क्या है ना, क्रिएशन में भगवान कह रहे अहम आदि च मध्यम च, भगवान आरंभ है, अंत है और मध्य भी है, और ज्ञान में आध्यात्मिक ज्ञान है, और तर्क में जो सत्य, जो तर्क का निर्णय निकलता है, निर्णायक सत्य भी भगवान आगे क्या कह रहे हैं, ना मैं मृत्यु हूं जो सबको हर लेता है, सब चीज मृत्यु में समाहित हो जाएंगे, तो भगवान कह रहे हैं मैं सबका उत्तम। और स्त्रियों में क्या है, ना प्रसिद्धि, भाग्य, भाषण, स्मृति, बुद्धि, विश्वास और धैर्य, ये जो गुण है बोल रहे हैं ये भी मेरे से ही है। और भजन में क्या है, ना बृहत साम,
कविता में, छंदों में गायत्री छंद, मासों में, महीनों में मार्गशीर मास, जो नवंबर दिसंबर होता है, क्योंकि इस समय क्या होता है, अनेक अनेक फूल खिलते हैं और इसमें भगवान की लीला होती है, दामोदर लीला। इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। ऋतुओं में बसंत ऋतु है, जैसे आज से प्रारंभ हो गया, आज क्या थी, बसंत पंचमी, तो बसंत ऋतु की प्रारंभ हो गई। और छल में जुआ है। फिर अगर क्या देखते हैं, बलवानों का जो बल है, और वृष्णिवंशियों में वासुदेव, तो जो भगवान का वंश है, वृष्णिवंश में भगवान आए थे, जैसे रघुवंश में श्री राम आए थे, और पांडवों में अर्जुन है, और साधुओं में व्यास देव। व्यास देव भगवान के शक्ति आवेश अवतार, उन्हें शक्ति मिली थी वो शास्त्र की रचना कर पाए। और कवियों में उसना कवि यानी शुक्राचार्य है। दंडों में दमन है। ऐसे भगवान आगे बहुत सारे, उनके जो कहाँ कहाँ भगवान को कैसे कैसे हम अनुभव कर पाएंगे, भगवान यहाँ बता रहे हैं। इसके देखिए, जैसे यहाँ ये सारे फोटो में आप देख सकते हैं, उच्चे सर्वा घोड़ा, घोड़ों में उच्चे सर्वा घोड़ा जो समुद्र मंथन में आया था, क्रिएटर में ब्रह्मा है, देखिए स्कंद है, सुरभि गाय है या नहीं, सिंह है, शार्क है, प्रहलाद महाराज है, व्यास देव मुनि है, ऐरावत हस्ती है, इंद्र है, वज्र है या नहीं, वासुकी नाग है। तो भगवान अपने श्रेष्ठता जो बता रहे हैं। अब भगवान आगे क्या कह रहे हैं, देखिए भगवान क्या कहते हैं कि यही नहीं, हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं, ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है, मैंने तुमसे जो कुछ कहा वो तो मेरा अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तो भगवान यहाँ स्वयं कह रहे हैं कि उनके ऐश्वर्य का कोई अंत नहीं है, वो अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, सुना है ना हमने, तो वो तो अनंत है। क्या कह रहे हैं, इसका अंत नहीं है, लेकिन मैं जो भी कुछ कह रहा हूं, जो भी कुछ मैंने तुम्हें बताया, वो सिर्फ केवल संकेत मात्र है। जैसे देखिए, अनंत ब्रह्मांड अनंत है, लेकिन भगवान थोड़ा सा बताते हैं। अब यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, यदि यतदी विभूति मत सत्वं श्रीमत अर्जितमेव वा तत्तदेवा अवगच्छत्वं मम तेजं ससंभवम्। तो भगवान कह रहे कि तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तो तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उत्पन्न है। यद्यदित विभूतिम अस्त्वतम श्रीमत अर्जितम एव वा तत्देवा अवगच्छत्वम ममो तेजम ससंभवम्। तो भगवान का जो एक स्फुलिंग है, एक तेज है, उससे यह सभी ऐश्वर्य सौंदर्य, सभी सृष्टियां जितना हम देख रहे हैं, किससे हुआ है, भगवान कह रहे हैं कि जो भी सृष्टि चल रही है, जो भी यहाँ घटित घटना हो रही है, वो सब किससे हो रहा है ना, भगवान का एक श्वास से, एक अंश से चल रहा है। लोगों को क्या लगता है कि भगवान आते हैं, पैदा होते हैं, फिर चले जाते हैं, ऐसे ही लग रहा है नहीं, लेकिन वो नहीं जानते कि भगवान का एक अलग से धाम भी है। अगर इसके बारे में कहानी आता है, ये श्लोक के बाद में बताता हूँ क्या कह रहे हैं भगवान, कि जैसे यहाँ भगवान कह रहे हैं, अथवा बहुत बहुत नेते न किम ज्ञाते न तवा अर्जुन विष्ट्वाभ्याम अहम इदम कृष्णम एकांशे न अस्तितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है, मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यक्त होकर उसको धारण करता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें इतना सारा जानने की क्या आवश्यकता, तुम बस एक ही चीज जान लो, ये जितना संपूर्ण ब्रह्मांड है वो केवल मेरे एक अंश से ही व्याप्त है। जैसे मैंने आपको क्या बताया था कल, भगवान का महा जो विष्णु के रूप में, कारणदोषाय विष्णु के रूप में आते हैं, उनसे फिर क्या आते हैं, गर्भदोषाय विष्णु,
उस ब्रह्मांड के अंदर जाते हैं, फिर उनके अंदर क्या आते हैं उनसे विस्तारित होते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव में प्रत्येक चीज में चर अचर जड़ चेतन में क्या है ना परमात्मा के रूप में बैठ जाते हैं। तो भगवान कहने तो ये सब पूरा ब्रह्मांड में अपने एक अंश में धारण कर रहा हूँ। तो जैसे हम पीछे देखेंगे, देखिए भगवान का ये जो आया था ये बाल स्वरूप, इसके बारे में कोई जानता है ये कौन से रूप है भगवान का, कौन से कहा जाता है इन्हें, पता है? तो इसमें एक छोटा सा मैं कहानी सुना देता हूँ। ये भगवान का बाल मुकुंद रूप है। कौन सा रूप है? बाल मुकुंद रूप है। तो महाभारत में एक कथा आती है कि जब पांडव वन में होंगे तो क्या होगा ना, उस समय भगवान कृष्ण भी उनके पास आए होंगे, तो वहां मार्कंडेय ऋषि पांडवों को वन में मिल जाएंगे। तो क्या होगा ना, जो पांडव है युधिष्ठिर महाराज कहेंगे कि आप, क्योंकि मार्कंडेय ऋषि को ना एक वर मिला था कि वो 7 कल्पों तक जीवित रहेंगे। 7 कल्प समझ रहे हैं, ब्रह्मा जी का एक कल्प कितने दिन है, कितना लंबा वर्ष है, तो 7 कल्प उनकी आयु होगी, तो उनकी आयु अनंत थी एक तरीके से। तो युधिष्ठिर बोले कि देखिए आप तो अनंत काल तक जीवित रहते हैं, तो आप ये सृष्टि के बारे में जानते हैं, कैसे 4 युग आते हैं, कैसे ये ब्रह्मा जी का कल्प आता है, कैसे ये प्रलय होते हैं, कैसे सत्ययुग से द्वापर युग जाता है, फिर त्रेता युग आता है, फिर कलयुग आता है, फिर दोबारा कैसे सत्ययुग आता है, इसके बारे में हमें जरा बताइए, ठीक है, कैसे प्रलय आता है। तो क्या होगा ना, मार्कंडेय ऋषि सबके सामने बताएंगे, बोलेंगे जिस बार जो लास्ट समय प्रलय हुआ था, सब चीज क्या हुआ ना, नष्ट हो गया, जलमग्न हो गया, तो मैं घूमते, क्योंकि वो तो मरते नहीं, तो बोले कि मैं थका हारा घूमते हुए एक देखा कि एक दूर से बरगद का पेड़ दिख रहा है, मैं उसके पास गया, तो वहां देखा एक छोटा सा बच्चा बरगद के पेड़ पे है, और जैसे मैं गया बच्चे ने कहा आओ मार्कंडेय तुम बहुत थक गए हो, यहाँ आश्रय लो। तो मैंने पहले सोचने बोले कि मैं सोचने लगा कि मैं तो इतना बड़ा ऋषि हूँ मुनि हूँ, ये बच्चा मुझे क्या आश्रय देगा, जब तक मैं सोच रहा था तब क्या करेंगे ना भगवान सांस लिए, तो उनके सांस में मार्कंडेय ऋषि उनके पेट के अंदर चले गए। तो उनके पेट के अंदर जाके देखे तो वहां पे तो पूरी एक दुनिया है, वहां सारे पर्वत है, पहाड़ है, जीव जंतु सब भरे हुए हैं, उनके अंदर वो घूमने लगे, घूमते घूमते अनेक समय बीत गया, कितने लाखों करोड़ वर्ष बीत गया, तब वो समझिए कि यही भगवान है। फिर उनसे उन्होंने प्रार्थना की, तो जब भगवान ने दोबारा श्वास छोड़ा तो मार्कंडेय मुनि बाहर आ गए, फिर उन्होंने कहा देखिए मैं तब जान पाया कि ये वही मुकुंद है, और वो कौन है, उन्होंने भगवान कृष्ण वहां बैठते उनकी तरफ इशारा देकर कहा कि ये वही भगवान है, ये सभी के मूल है, यही वो कृष्ण है जो तुम्हारे साथ बैठे हैं। तो अर्जुन ने भी तो यहाँ भगवान की स्तुति कहती, आदि देवम विभु के रूप में अर्जुन ने भगवान की स्तुति की थी। तो इससे हम देख पाएंगे कि भगवान कैसे कितने महान है। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं इस अध्याय के बारे में ना, भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी है, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है, अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावना रूप में अपने मनों को एकाग्र करते हैं, अतः वह नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है, जो चतुश्लोकी गीता के बारे में हमने देखा। शुद्ध भक्ति की यही विधि है, इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगत में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो आज का तो जो अध्याय का क्या क्या समरी है देखिए, इसको कैसे देखते हैं ना, 10.1 से 7 तक भगवान कृष्ण अनजाने और सभी के स्रोत है, नमे विदु सुरगना, उनको कोई नहीं जान सकता। फिर 8 से 11 तक जो चतुर्श्लोकी में भगवान क्या करें, शुद्ध भक्ति और भगवद गीता का सार, मत चित्ता मत गता प्राणा बोधयन्ते, वो तो देखा ना। फिर अर्जुन ने कृष्ण के सर्वोच्च पद को स्वीकार किया, सर्वम एतद्, भगवान को बताया ना कि आपकी सभी की मूल है विभु है। फिर लास्ट में 19 से 22 तक भगवान अपने व्यक्ति का वर्णन कर रहे हैं कि मैं किस में क्या हूँ, ठीक है। तो आज का क्लास यहाँ
समाप्त हुआ। आपको इस अध्याय के बारे में, आज के क्लास के बारे में कोई किसी का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर। हरे कृष्णा, किसी को कोई प्रश्न है तो प्रभु जी से पूछ लीजिए प्लीज। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। हमारे एक बहुत बहुत शुद्ध भक्त है, वो गुड़गांव से है, वेद विद्यादास प्रभु जी। हरे कृष्णा। अब थोड़ा अनम्यूट हुई है, वीडियो दिखाई प्रभु जी। प्रभु जी बहुत शुद्ध भक्त है, प्रभु जी लगभग 20-22 साल से इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, इस्कॉन गुड़गांव गुड़गांव में। प्रभु जी बहुत में, हरे अच्छे। हरे कृष्णा प्रभु जी गुड़गांव में है तो प्लीज मुझे भी दर्शन दीजिए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। मेरे जो फ्रंट का कैमरा है ना माता जी, वो थोड़ा खराब हो रखा है। अच्छा, प्रभु जी आप कौन से वाले टेम्पल में हैं, बादशाहपुर वाले में या 45 वाले में? हाँ, बादशाहपुर वाले में। प्रभु जी फिर मैं आती हूँ आपसे मंडे को मिलने के लिए। मैं हाँ गुड़गांव आइए, से ही। मोस्ट मोस्ट वेलकम प्रभु माता जी जी, मैं आप तो आइए। प्रभु जी ने यहाँ आकर हमें सबको आशीर्वाद दिया। प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हरी आपका भी बहुत बहुत बोल। धन्यवाद है दिगंबर प्रभु जी, आपने हमें, मुझ जैसी को यहाँ पर, मैं जिसको ढूंढ रही थी कि मुझे कोई अपना जानने वाला मिल जाए, मुझे कोई डिवोटी मिल जाए जिसके सहारे मैं इसमें बादशाहपुर वाले टेम्पल में बढ़ सकूं आगे, और नहीं, आपकी प्रभु कृपा जी से का मुझे मिल बहुत रहा है। मेरे पे विशेष कृपा है। उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया भगवान के बारे में जानने के लिए, गीता पढ़ने के लिए, इस्कॉन ज्वाइन करने के लिए। प्रभु तो फिर प्रभु जी आप जी भी इसी का साइड आशीर्वाद। से हैं क्या? नहीं, प्रभु जी और मैं एक ही साथ पहले एक ही जगह जॉब करते थे। अच्छा, वही मुझे, आप ही इसी साइड के हैं हरे फिर। कृष्ण प्रभु जी। किसी जी जी प्रभु जी, हरे का कृष्ण। कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। प्रभु जी वेद विद्या, प्रभु जी मेरा नाम परवीन गुप्ता है, मैं आपसे मिलूंगी, कॉल करूंगी मैं आपको। श्योर माता जी, मेरा नंबर लिख लीजिए, 9990003096। जस्ट जस्ट अ सेकंड। 999 और 999 3096। 3096। जी बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। दिगंबर प्रभु जी हैं, बहुत शुद्ध भक्त हैं, और इतना कम समय में और इतनी अचीवमेंट की है। इनके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनको खूब भक्ति दे भगवान, भगवान का प्रेम प्राप्त हो इनको। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। जी प्रभु किसी जी, का हरे कोई कृष्णा। प्रश्न नहीं है तो हम क्लास को यहाँ समाप्त करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां सिंधुभ्यो पतिता नाम पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। और सब एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे, सब अनम्यूट हो जाइए। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे ना, पंचतत्व मंत्र करेंगे। प्रारंभ करिए। जय जय श्री श्री कृष्ण 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 चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंदा, श्री नित्यानंदा श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर, श्री गदाधर वासादि गौर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। भक्त वृंदा। सब अनम्यूट हो जाए कृपा करके, सब साथ में कहिए। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम हरे रामा राम हरे रामा राम 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 हरे रामा हरे हरे हरे। हरे बोल। हरे हरि बोल, कृष्ण हरे सभी कृष्णा को। हरे हाँ, कृष्णा हरे कृष्ण। सभी को, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।